एक्सक्यूज मी गाइस, अगर आप लोग बुरा ना माने बापू जी कोशलू, तो क्या मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं? अरे देखो माँ, फिर से अपने एक ही बेटे के बारे में बात करने लग गई। तुझे सच में डस्टबिन से उठाया था क्या? नानको सच कड़वा होता है, ये कड़वा गूंज पी ले। व्हाटएवर। अभी क्यों उसे तंग कर रहे? माँ जब आप नहीं होती है ना, तो ये भी मुझे बहुत परेशान करता है। मैं तो माँ अम्बे से यही प्रार्थना कर दूंगी कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करें। अब चले अंदर। माँ एक्चुअली मुझे कुछ काम है, इम्पोर्टेंट कॉल्स करने। आप जाके सो जाइए, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। ओके फाइन। जुनू मेरा फोन। जी शुक्रिया भैया, मुझे पता है आपको भी कॉल वॉल नहीं करना। आप मिष्टी दीदी से मिलने जा रहे हो ना? अबीद जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी सॉरी। मुझे हक है, मैंने अपनी आधी जिंदगी इस डर में गुजारी कि कहीं मेहुल का पड़िया वापस मेरी जिंदगी में ना आ जाए। मेरा बेटा अबीर मुझे अपने इस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर न चला जाए, पर बस बहुत हो गया। अब मैं इस डर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। मैं इस डर से हमेशा हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। बिंदा, अब आपको ऐसे जीने की कोई जरूरत नहीं। मेहुल जेल जा चुके और अबीर को उनकी सच्चाई पता चल गई है, तो अबीर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अबीर को कहीं जाने नहीं देंगे आपसे दूर। ये मेरा वादा है आपसे। बाबूजी शगिन का सारा सामान तैयार है और बस गाड़ी में। वर्षा आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? जी बाबूजी, मैं माँ और जसमीत मंदिर जा रहे हैं शादी का पहला कार्ड देने। ये देखिए ना, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। मैं भी तैयार हूँ भाभी, चलिए आप मेरे साथ। जसमीत संभाल के, अभी अपशगुन हो जाता। सॉरी। पर हुआ तो नहीं ना वर्षा, वैसे होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब तक मिष्टी और अबीर एक दूसरे के साथ है ना, मिष्टी हर बाधा पार कर जाएगी। शंबर और राजश्री शादी का कार्ड लेके आते ही होंगे। पारू हमारा कार्ड कहाँ है? बापूजी वो तो बेंदा के पास होगा। ओ, तो पहले हमें भी कार्ड लेके मंदिर जाना होगा ना। जी बेंदा। बिंदा मैं आप ही के पास आ रही थी, बापूजी कह रहे थे कि अबीर के शादी का कार्ड लेके मंदिर जाना चाहते हैं वो, तो मुझे पता नहीं था कार्ड किसके पास है। अबीर की शादी का कार्ड मेरे पास है। तो फिर चलो सब साथ मंदिर चलते हैं। मारे रे, पर अभी तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं बेनबा। बेनबा अगर हमने देर कर दी तो? बिल्कुल नहीं, सही समय है। बापूजी आप और निधि उनके स्वागत में घर रुकिएगा, है ना? हाँ हाँ ये भी ठीक है। हाँ। पारुल आपने कहा था कि आप मेरे साथ हैं, है ना? अब मेरा मतलब आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? गुड मॉर्निंग। माँ अम्बे मेरे दोनों बेटों को खुशियां ही खुशियां दे, और आपको भी बहुत सारी खुशी। मेरी खुशियां तो मेरे दोनों बेटों से है। अबीर तुम्हारी शादी का पहला कार्ड मंदिर में भगवान जी के चरणों में रखने जा रही हूँ, तुम भी चलो। देखो नानू, दिस इज नॉट फेयर। अभी माँ कह रही थी उनकी खुशियां हम दोनों से, और अब सीधा अबीर की बातें कर रही है। दिस इज नॉट फेयर, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कुणाल तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे लिए।
और तुम ये बात नहीं समझते हो क्योंकि तुम बहुत भोले हो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। चले जी। मासी कहाँ है माँ? वो पूजा की थाली लेने गई है। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अकेले में, क्योंकि इतने समय के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। और बेटा सॉरी भी है, इसलिए जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा भी। वादा? वादा। पक्का? पक्का, एक बार बोल के तो देखिए, ये बेटा आपके लिए कुछ भी करेगा। माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ टाइम स्पेंड करे। वादा? माँ चाहती है कि उसका बेटा उसका सहारा बने। वादा? माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ बिजनेस संभाले। वादा माँ? माँ चाहती है कि उसका बेटा मिश्री को छोड़ दे। वादा। क्या माँ, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है अबीर, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मिश्री को छोड़ दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।